नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के कैरेक्टर मॉडलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित पेडनेकर, आपका एनिमेशन मेंटर। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर पाओगे। इसके अलावा ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और इस बेल आइकॉन को दबाने से आपको हमारे नए नए ट्यूटोरियल्स के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलो आज की ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इस ट्यूटोरियल को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा ट्यूटोरियल किट हमारे वेबसाइट के मार्केट सेक्शन में अवेलेबल है, जिसे आप सिर्फ 500 रुपए में डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको रेफरेंस इमेज के अलावा टेक्सचर मैपिंग, यूवी मैपिंग और 3D मॉडल रेडीमेड मिल जाएगा, जिसे बाद में आप अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी रिगिंग और एनिमेशन आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल किट में उपलब्ध होगी। अब इस ट्यूटोरियल में हमने रोबोट्स के जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स क्रिएट किए हैं उन्हें जोड़ेंगे। उसके बाद हम मेश को मिरर डुप्लीकेट कर रोबोट को कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इस मॉडल को ऑप्टिमाइज कर ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। जब भी हम मेश पे मॉडलिंग करते हैं तब इनपुट मोड में उसकी हर एक कमांड सेव हो जाती है। इसे आप मेश की हिस्ट्री भी कह सकते हो। इसी हिस्ट्री को डिलीट कर हमें मॉडल को ऑप्टिमाइज करना है, नहीं तो फिर ये अपने माया की फाइल साइज बढ़ाते रहेगा और अपनी कंप्यूटर की अधिकतर ऊर्जा इसके पीछे ही खर्च हो जाएगी। इसलिए हम एडिट मेनू में डिलीट बाय टाइप में से हिस्ट्री को डिलीट करते हैं और ऐसे ही मॉडल को सिलेक्ट रखते हुए मेश मेनू में से इसे कंबाइन कर लेते हैं। अब हम इसके गर्दन पे जूम करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नए टोर्सो को जॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हम इन्हें जॉइंट कर लेते हैं। तो वर्टेक्स मोड में जाए, उसके बाद ये जो दो आमने सामने वर्टेक्स है इन्हें सिलेक्ट करना, जैसे कि एक नेक का वर्टेक्स और उसके सामने वाला टोर्सो का वर्टेक्स। फिर आगे एडिट मेश में से इन दोनों को मर्ज कर देना। ठीक है, अब अगले जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी इस आर्म और टोर्सो को हम ब्रिज टूल के मदद से जोड़ेंगे। इसमें हम वर्टेक्स को नहीं एजेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं टोर्सो का एज लूप डबल क्लिक कर सिलेक्ट करता हूं और वैसे ही आर्म का भी एज लूप डबल क्लिक कर सिलेक्ट करता हूं और फिर एडिट मेश में से ब्रिज। अब ब्रिज के बाद यहाँ पे बहुत सारे अनावश्यक एजेस आ चुके हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं इनपुट चैनल में ब्रिज पे क्लिक करता हूं और यहां पे जो डिवीजन है इन्हें जीरो कर देता हूं। अब इस टोर्सो और लेग को जॉइंट करने के लिए हम उसी प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। दोनों तरफ के एज लूप को सिलेक्ट करो और फिर उन्हें एक साथ ब्रिज करो और आगे हम इनपुट में से डिविजन्स को जीरो कर इन अनवांटेड एजेस से छुटकारा पाएंगे। ठीक है, अब हम हिप कैप को जॉइंट करेंगे। इसे हिप कैप की ओर जूम कर काम करने के पोजिशन में ले आए। अब और एक बार हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है, जैसे दोनों तरफ के एज लूप सिलेक्ट कर इन्हें ब्रिज करो और इनपुट में से इनकी डिवीजन को जीरो करो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो एज लूप इतने नजदीक नहीं चाहिए, तो इसमें से एक एज लूप को मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा रोबोट एज अ कम्प्लीट मेश जॉइंट हो चुका है। अब बारी आती है इस रोबोट को स्मूथ करने की, लेकिन उसके पहले मैं इसके नॉर्मल्स नॉर्मल एंगल में सेट कर लेता हूँ। कैरेक्टर को स्मूथ दिखाने के लिए हम यहाँ पे इसकी जो एंगल वैल्यू है उसे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है। और एक बात का ध्यान रखना कि जहां से हमारा कैरेक्टर मिरर होने वाला है वहां पे हमें कोई भी क्लोज एज नहीं चाहिए, जैसे कि ये। अगर आपको कुछ ऐसे एजेस पॉलीगॉन सरफेस दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत डिलीट करिए। ठीक है, अब इस मेश को और एक बार चेक कर ले। इसे साइड व्यूपोर्ट में से चेक करें। ओके, तो यहाँ पे हमारे बैकपैक पे काम नहीं हुआ है, तो चलो बैकपैक मॉडलिंग को शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत साइड व्यूपोर्ट में से ही करते हैं। इन सिलेक्ट किए हुए वर्टेक्स को मैं रेफरेंस इमेज से मैच करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे लग रहा है कि इस इमेज को मैच करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ और सेगमेंट्स की जरूरत है, तो इसके लिए हम पर्सपेक्टिव व्यू में स्विच होकर एक्सरे मोड को एक्टिव करते हैं। अपर शोल्डर नेक के पास होना चाहिए, इसलिए हम इसे ऊपर की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, अब साइड व्यू में स्विच करें। अब हम इन्हें ऊपर की तरफ मूव कर इमेज के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और ज्योमेट्री ऐड करें। हम इसके पीछे कुछ एजेस ऐड करेंगे।
अब इन वर्टिसेस का एक्सट्रूजन से पहले एक अच्छा सा बेस तैयार कर ले। ठीक है, अब इन फेसेस को सिलेक्ट करें। अब इन्हें एक्सट्रूड करते हैं। इन्हें बाहर की तरफ पुल करें। और स्केल टूल के मदद से इनके वर्टिसेस वाई एक्सिस में अलाइन करें। ठीक है, अब एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में से इसके बैकपैक को चेक करते हैं। अब इस बैकपैक को क्रिएट करते वक्त भी उसके सिमेट्रिकल लाइन पर जितने भी एक्स्ट्रा फेसेस क्रिएट होने वाले हैं उन्हें सिलेक्ट कर हमें डिलीट करना होगा। अब इस ट्रायंगल को भी हमें क्वाड में बदलना है। इसके लिए मैं यहाँ पे और एक एज ऐड कर इस बीच वाले एज को डिलीट करता हूँ और इस तरह से ये ट्रायंगल क्वाड में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और ज्योमेट्री ऐड करते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पे एज इंसर्ट कर लेता हूँ। एक बार एज इंसर्ट होने बाद अनवांटेड ट्रायंगल्स को निकालने के लिए हम कुछ एजेस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब इन वर्टेस को सिलेक्ट कर इन्हें एक अच्छे शेप में ले आते हैं। ठीक है, अब आगे इन कुछ पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर हम एक्सट्रूड करेंगे। इस शेप को रेफरेंस इमेज के साथ मैच रखने के लिए हम साइड व्यू में शिफ्ट होते हैं। अब इसके इन वर्टेस को सिलेक्ट कर हम रेफरेंस इमेज को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब एक दूसरे एंगल से इसके नेक एरिया को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। इमेज को मैच करने के लिए मैं इन वर्टिसेस को बाहर की तरफ मूव करता हूँ और ऐसा ही मैच आपको इन नीचे वाले पॉलीगॉन्स के साथ भी करना है। अब वापस से इन फेसेस को सिलेक्ट कर हम एक्सट्रूड करेंगे। अब इस एक्सट्रूजन को स्केल डाउन करते हैं। ठीक वैसे ही इन कॉर्नर के वर्टिसेस को अंदर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब वापस से साइड व्यू में स्विच करें। अभी फिर से इसकी आउटलाइन इमेज के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं और फिर से इसे पर्सपेक्टिव व्यू में से चेक करते हैं। इस सेक्शन को मैं थोड़ा अंदर की तरफ दबा लेता हूं और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूं। इन्हें भी थोड़ा एडजस्ट कर ले। अब इन फेसेस को सिलेक्ट कर फिर से एक बार एक्सट्रूड करना है। अब इस निचले हिस्से को हम राउंड करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी। और फिर इन फेसेस को सिलेक्ट कर फिर से एक बार एक्सट्रूड कर ले। अब हमें साइड व्यू में से एक्सट्रूजन को एडजस्ट कर लेना है और इस शेप को मैच करने के लिए वर्टिसेस को एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हमने जो किया है इसे एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में चेक कर लेते हैं।
लगता है और एक बार हमें यहाँ पे एक्सट्रूजन करना होगा। अब साइड व्यू में जाए और वर्टिसेस को एडजस्ट कर इमेज के साथ मैच करें, और प्रस्पेक्टिव व्यू में से चेक कर जरूरत पड़ने पे और कुछ एडजस्टमेंट्स करें। अपसाइड व्यू में से एक बार फिर से हम मॉडल को रेफरेंस इमेज के साथ अच्छे से मैच कर लेते हैं। अब प्रस्पेक्टिव व्यू में से हम बैक को चेक कर लेते हैं। हमें कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे टॉप पे कर लेनी है। अभी सिमेट्रिकल लाइन पे जो एडिशनल फेसेस आते हैं इन्हें सिलेक्ट कर डिलीट करें। ठीक है, अब और एक बार हम अपने मेश को प्रस्पेक्टिव व्यू में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेस्ट पे कुछ गड़बड़ हो गई है, एक वर्टेक्स बाहर आ चुका है। इसे फ्रंट व्यू में से अपनी जगह पे बिठा देते हैं। ठीक है, अब सीन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसके हिस्ट्री को डिलीट करें। यहाँ हेड पे कुछ और ज्यादा काम बचा है, तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं चीन से। ठीक है, अब अपना मॉडल रेडी हो चुका है। इस पूरे मेश को सिलेक्ट करें और फिर मेश मेनू में से मिरर ज्योमेट्री ऑप्शन बॉक्स को ओपन करें। अब इस सेटिंग बॉक्स में हमें सिर्फ इसे -X में मिरर करना है और बाकी सारे ऑप्शन वैसे के वैसे ही रखने हैं। इसे अप्लाई कर ऑप्शन बॉक्स को क्लोज करते हैं। अब इस सिमेट्रिकल लाइन को जहाँ पे कैरेक्टर मर्ज हुआ है इसे ध्यान से देखते हैं। हमें इसके नेक के पिछले हिस्से में कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। हम इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नए एजेस ऐड कर लेते हैं और बाद में अनवांटेड एजेस को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब अनवांटेड एजेस को सिलेक्ट कर इन्हें डिलीट करें। यहाँ पे हमें इसी प्रोसेस को रिपीट कर लेना है। ठीक है, अब इनके बीच का स्पेसिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। नेक के सामने के बाद जो हमें सेम प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो इसे हम ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पे कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, अगर और किधर गड़बड़ है तो उसे चेक करते हैं। अब यहाँ हेलमेट के टॉप फ्रंट में हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, इसे भी ठीक उसी तरीके से सॉल्व करना है। एजेस को ऐड करें और अनवांटेड एजेस को सिलेक्ट कर डिलीट करें। इस तरीके से जहां जहां आपको ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे उन्हें इसी तरीके से दूर करना है। ठीक है, अब आखिर में इसे एक फाइनल शेप दे देंगे। अभी फ्रंट व्यू में से एक बार फिर से इन वर्टिस को ठीक से सेट कर लेते हैं। अगर सिमेट्री जॉइंट्स में कुछ मिस्टेक्स है तो इन्हें भी यहां पे चेक कर ले। ठीक इसी प्रकार से लोअर टोर्सो का भी शेप एक बार चेक कर ले। वायर फ्रेम को स्विच ऑफ कर एक बार मेश को ठीक से चेक कर ले। ठीक ठाक लग रहा है। अब एक बार फिर से हिस्ट्री को डिलीट कर सीन को ऑप्टिमाइज कर ले।
मेश थोड़ा रफ दिखाई दे रहा है, तो इसके नॉर्मल एंगल सेट कर इसे थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। इसके लिए नॉर्मल मेनू में से नॉर्मल एंगल्स को 70 तक सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पहले से काफी बेहतर लग रहा है। अब आखिरी बचे कुछ एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे कर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेट नॉर्मल एंगल्स का स्टेप वापस से रिपीट करते हैं। इसके साथ ही इसके पीछे वाले एरिया में कुछ और एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। ओके मित्रों, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और टेक्सचरिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है मित्रों, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम टेक्सचरिंग सेशन को शुरू करेंगे। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन